नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। अवतार भगवान श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की अपार करुणा से गत सप्ताह से ही श्री माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ का रसास्वादन प्रारंभ हुआ। प्रथम श्लोक का हम लोगों ने आस्वादन किया था। कृष्ण माधुर्य को बरसाने वाली मेघमाला के समान श्री चैतन्य देव की कृपा की याचना प्रथम मंगलाचरण श्लोक में की थी। और कादंबनी का अर्थ होता है जल से भरे हुए बहुत सारे बादल। गत सप्ताह हमने इसको रसवर्षा के रूप में समझा था, लेकिन कोश देखने पर ज्ञात हुआ कि माधुर्य से भरे हुए बहुत सारे मेघों की माला को बोलते हैं कादंबिनी। श्लोक की टीका में कहते हैं कि पहले समस्त वैष्णवाचार्यों का ऐसा मत था कि भगवत्ता का सार ऐश्वर्य है, यानी जिसमें जितना अधिक ऐश्वर्य है वह उतना ही पूर्ण भगवान है, अथवा भगवान का मुख्य लक्षण है उसमें ऐश्वर्य का होना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्ध किया, उनके अनुगत श्री रूप गोस्वामी पाद आदि गोस्वामीगण ने यह सिद्ध किया कि भगवत्ता का लक्षण ऐश्वर्य नहीं है, भगवत्ता का लक्षण माधुर्य है, मधुरता। ऐश्वर्य होने पर भी यदि माधुर्य नहीं है तो वह भगवान पूर्ण नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण में सर्वाधिक गुण है माधुर्य का। उसका कारण है कि कंस शिशुपाल आदि ने भगवान श्री कृष्ण के समस्त ऐश्वर्य का अनुभव कर लिया था। कंस को पता चल गया था कि इससे बड़ा, इससे शक्तिशाली, इससे ऐश्वर्यशाली कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वे कृष्ण की भगवत्ता का आनंद नहीं ले पाए। श्री चैतन्य देव ने ही जीव जगत पर करुणा विस्तार करने के लिए उनकी माधुर्य का प्रचार किया। और यह उनका जो माधुर्य है यह साधकों को स्वतः ही अनुभव होता है। श्री चैतन्य की कृपा को निरंकुश माधुर्य कादंबिनी कहा, जैसे मेघमाला अहैतुक बिना किसी कारण के जल की वर्षा करती है, वह ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, गरीब अमीर, देश कुदेश,
किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखती, उसी प्रकार श्री चैतन्य देव की कृपा भी किसी पात्र कुपात्र देश काल की अपेक्षा नहीं रखती, यहां तक कि विधि निषेध से भी रहित है उनकी कृपा। उनकी कृपा ने पात्र कुपात्र जाति कुल आश्रम वर्ण विद्वान मूर्ख यहां तक कि पापी सुरापी निंदक असदाचारी और तो और शेर बाघ हिंसक वन के पशुओं पर भी अपनी कृपा करके उनसे नाम का उच्चारण कराया। मेघमाला बादल जब वर्षा करते हैं तो जहां पर पहले से कुछ बीज पड़े होते हैं वहीं से ही अंकुर उत्पन्न होते हैं। जहां बीज नहीं है वहां से वर्षा पड़ने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु श्री कृष्ण चैतन्य कृपा ने कृष्ण नाम गुण लीला रूप माधुर्य को स्फुरित करके प्राणियों के भक्ति संस्कार रूपी बीज रहित क्षेत्र में भी नए सिरे से भक्ति को अंकुरित कर दिया। बहुत से प्राणियों में जिनमें भक्ति का बीज भी नहीं था उनमें चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा द्वारा बीजारोपण भी किया और उसको अंकुरित करके नाम गुण लीला रूप माधुर्य रूपी फल पुष्प भी उसने उत्पन्न कर दिए। और भगवान श्री चैतन्य ने इतना ही नहीं किया कि भक्ति संस्कार रहित जीवों के हृदय में भक्ति बीज का रोपण किया, उसमें नाम गुण लीला रूप माधुर्य को स्फुरित किया और उसको इतना परिपक्व कर दिया कि जीव अपने जीवन के परम फल श्री कृष्ण चरण सेवा को प्राप्त कर धन्य धन्य हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन कर रहा है। यहां हृदय क्षेत्र का भी बहुत महत्व है। भक्ति का क्षेत्र हृदय है, भक्ति का क्षेत्र बुद्धि नहीं है। बुद्धि तर्क का विषय है। जो लोग बुद्धि से भक्ति को समझना चाहते हैं वो ध्यान दें कि बुद्धि से भक्ति को समझने का अर्थ है कि पत्थर पर पेड़ उगाना, वह कार्य लगभग असंभव है। केवल श्रद्धापूर्ण भावुक कोमल तर्क रहित हृदय क्षेत्र ही भक्ति के बीजारोपण का और पुष्पित पल्लवित होने का स्थान है। बुद्धि की तर्कश एवं अविश्वासपूर्ण पथरीली भूमि में भक्ति का उदय होना असंभव है, इसलिए इस श्लोक में हृदय क्षेत्र का उल्लेख किया गया। इस श्लोक में नवधा भक्ति का भी उल्लेख किया। जो हृदय क्षेत्र में नवविधा भक्ति रूपी धान तृण आदि को सम्यक प्रकार से जीवन दान करने वाली है तो वह नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह नौ प्रकार की भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य कृपा रूप से माधुर्य मेघमाला से सम्यक जीवन प्राप्त करती है। साथ ही नवविधा भक्ति
पूर्ण नाम हईते है। नविदा भक्ति का वर्णन तो श्रीमद् भागवत कालीन था और प्रहलाद जी ने नविदा भक्ति का वर्णन किया, लेकिन नविदा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। नाम संकीर्तन करने मात्र से नवदा भक्ति पूर्ण हो जाती है, इस बात का परिचय केवल महाप्रभु ने महाप्रभु के परिकर ने दिया। और महाप्रभु जी को कहा जाता है संकीर्तन एक पितरौ, संकीर्तन महाप्रभु जी का पुत्र है। तो संकीर्तन का जो प्रचार महाप्रभु जी ने किया और उसकी पूर्णता कि जो गुप्त मंत्र का उन्होंने सृजन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको पहले किसी ने प्रकाशित नहीं किया था। और महाप्रभु जी ने केवल इसका उपदेश ही नहीं दिया, नाम संकीर्तन का स्वयं आचरण करके स्वयं प्रचार करके, पहला नाम संकीर्तन जब काजी के उद्धार के लिए महाप्रभु जी निकले हैं तब प्रथम नगर संकीर्तन महाप्रभु जी ने प्रचारित किया, ऐसा संतों के मुख से सुना है। मेघमाला के उदित होने से पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी शांत हो जाती है और यह सुख कामना ही हमारी गर्मी का हमारे तापों का मूल कारण है। और इस ताप की निवृत्ति की जो कामना है मुक्ति, उसका भी जब तक निवारण नहीं होता तब तक हमें शीतलता प्राप्त नहीं होती। तो ये जो श्री महाप्रभु जी की कृपा है यह समस्त कामनाओं के बीज को नष्ट कर देती है और कृष्ण भक्ति की कामना का बीजारोपण कर देती है, जिससे कृष्ण कामना उत्पन्न होकर हमें जीवों को ये त्रिताप जलाते नहीं है, अपितु कृष्ण भक्ति से उस शीतलता और शांति की प्राप्ति होती है जिसके उदाहरण है हमारे गोस्वामी पाद श्री रूप सनातन गोपाल भट्ट रघुनाथ आदि, जो त्रितापों से जल रहे थे और महाप्रभु जी की कृपा कादम्बनी को प्राप्त करके शांत शीतल स्निग्ध स्वयं ही नहीं हुए, हम जैसे जीवों को भी शीतलता का मार्ग प्रदान किया। ये प्रथम श्लोक की टीका चल रही है तो उन्हीं बातों को उठाया है। मेघमाला से बरसात से नदियां भर जाती हैं, तरंगे उठती हैं। यहां कृष्ण चैतन्य देव की कृपा रूपी कादंबनी से भगवान नाम प्रेम से विश्वरूप नदी भर गई और समस्त विश्व उस प्रेम की बाढ़ में बह चला। प्रेम का जो परिचय महाप्रभु ने अपने गौड़ीय संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों में मिला वह उससे पहले देखने को नहीं था। और अब तो देश विदेश में महामंत्र की ऐसी गूंज है कि पृथ्वी पे आचे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैवेक मोर गुण नाम। महाप्रभु ने अपने इस वचन को सिद्ध किया, पृथ्वी का कोई कोना नहीं जहां महामंत्र का जाप आज न हो रहा हो। और मैं तो देखता हूं के गौड़िया ही नहीं अनेक अन्य संप्रदाय भी, लुधियाना के दंडी आश्रम में भी सन्यासी लोग भी महामंत्र का आचरण करके उच्चारण करके संकीर्तन करके महामंत्र रूपी इस प्रेम की नदी की बाढ़ में बह चले, मानो जैसे बाढ़ में बाढ़ न मकान देखती है न घर देखती है, हर आदमी को बहा देती है, उस प्रकार इस नाम संकीर्तन की प्रेम बाढ़ में सभी लोग बह चले। चारों तरफ इस समय महामंत्र का जाप पाठ संकीर्तन संप्रदाय के भेद और आग्रह से रहित होकर देखने को हमें मिलता है और साधक इसका आश्रय लेके आनंद ले रहे हैं।
माधव कादंबनी बहुत ऊंची सीमा में रहकर मरुस्थल में भी जल बरसाकर उन्हें हरा भरा कर देती है, तो चक्रवर्ती पाद ने दैन्यवश स्वयं को माधुर्य कादंबनी से बहुत दूर एक मरुस्थल नीरस भूमि का वृक्ष माना है। अतः उन्होंने प्रार्थना की है कि हे चैतन्य कृपा की माधुर्य कादंबनी, मैं आपसे काफी दूर हूं। चक्रवर्ती पाद का जन्म काफी बाद में हुआ है महाप्रभु के, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आपसे काफी दूर हूं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझ नीरस जड़मती दीन जन में भी सरसता का संसार कीजिए और रसमयी भक्ति से मुझे अभिषिक्त कर हरा भरा कर दीजिए। यह है वैष्णवों का दैन्य। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मैं नीरस हूं, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मैं मरुस्थल में हूं, जबकि वो रस के स्रोत थे, चक्रवर्ती थे। उन्होंने हमें ऐसे ऐसे ग्रंथ दिए हैं जिन जिनसे विश्व का कल्याण हो रहा है। वो स्वयं कादंबनी रूप हैं, लेकिन एक गौड़ीय वैष्णव की जो दैन्य की परिभाषा है वो हर गौड़ीय वैष्णव के जीवन में उतरती है। वही बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ने की है। यहाँ प्रथम श्लोक की टीका का विश्राम है। अगले सप्ताह प्रभु कृपा से शरीर रहा और धाम में रहे तो दूसरे श्लोक का आस्वादन और उसकी टीका का आस्वादन करेंगे। शुरू में अवश्य कोई भी ग्रंथ थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि बाद में इसमें जो विषय वस्तु है वह ऐसी है कि हमें अवश्य ही आगे बढ़ाएगी और अवश्य ही हमें भक्ति के पथ पर ले जाएगी और आनंद प्रदान करेगी और ऐसी ऐसी रहस्यों का परिचय देगी। गुरु पूर्णिमा, हाँ परसों गुरु पूर्णिमा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आज। Look at all the clouds. They're like, they're all going in different directions. Isn't that crazy, Meg? I'm scared. It's like rolling. Look at the cloud up there rolling. Huh? Look at these clouds are incredible. Okay, I'll leave it. It is freaky. Scary.